मैं हुसैन सुल्तान न्यूज के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा में। आपको बता दें कि जिस तरीके से जितेंद्र अवार्ड की गाड़ी पर यहां पर जो हमला किया गया है छत्रपति राजेश संभाजी राजे के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसको लेकर आज शानू पठान अपने तमाम समर्थकों के साथ यहां पे पहुंचे। बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज रोड को जाम किया गया, अमृत नगर दरगाह रोड पे ये बिल्कुल जाम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग रास्ते पर खड़े हैं। दोनों तरफ से रास्ता यहाँ पर जाम कर दिया गया है। कुछ आतंकवादी हमलावरों ने मुमरा को पाकिस्तान कहा और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को बोला कि पाकिस्तान के ऊपर नेतृत्व करने वाला मुसलमानों का चम्मच, और उनको उनकी गाड़ी के ऊपर हल्ला किया। उसके लिए आज हम लोग उसके आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार का निषेध है। बीजेपी के साथ जितने गठबंधन सरकार है उनका निषेध, उनका प्लान है कि मुमरा के अंदर मुमरा को पाकिस्तानी घोषित किया जाए, बांग्लादेशी घोषित किया जाए, आतंकवादी घोषित किया जाए। इनके नेता पहले से मुमरा को आतंकवादी, उसकी नुमाइंदगी करने वालों को हमला करते हैं, उसके लिए हम सभी लोग उनकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों पे मकोका लगाया जाए, नहीं तो हम ये रोड पे जो बंद किया है वो बंद रखेंगे। सरकार है ये संविधान को खत्म करने के लिए आई है, क्योंकि पहले वो मस्जिद का, फिर उसके बाद अवार्ड साहब का और हम सब का उसके ऊपर आवाज उठाना, फिर उसके बाद उनकी गाड़ी पर हमला करना, मुमरा को पाकिस्तान घोषित करना, मतलब ये सारी चीजें जो है वो असंवैधानिक है। कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर जाने पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को पाकिस्तानियों का चमचा का, मुमरा पाकिस्तान के जैसा है और उसे उसका चमचा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है, उनको ऐसा कहा गया और वो लोग सब आतंकवादी है। ऐसे लोगों को बीजेपी ने पाल के रखी है और मुमरा को बांग्लादेशी पाकिस्तानी, और अवार्ड साहब मुसलमानों और दलितों की आवाज उठाते हैं, इसीलिए उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर हल्ला किया जा रहा है। ऐसी पार्टी जितने भी बीजेपी के संगठन पार्टी है हम उनका निषेध करते हैं, और उनका प्लान है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड क्या क्या करेगा। पाकिस्तान कहने वाला पाकिस्तान कहने वाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद सब लोग अरे अवार्ड साहब पे हल्ला करने वाले अवार्ड साहब पे हल्ला करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन फेल है, सरकार का फेलियर है। सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, मुसलमान और दलित के खिलाफ बोलेगा तो उसे जान से मारा जाएगा, ऐसा संदेश है, नहीं तो जेल में डाला जाएगा। ऐसी चीज के लिए, ऐसी आतंकवाद, ऐसे फैसिज्म पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जेल भरो आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन। बीजेपी बीजेपी अवार्ड साहब संघर्ष करो। अभी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे एनसीपी शरद पवार चंद्र ग्रुप में नाराजगी है। आज उन्होंने यहाँ पे अमृत नगर पे रास्ता बंद कर दिया है और बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। जिस तरीके से संभाजी राजे को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की यहाँ पे बातें सामने आ रही है, और उन्होंने यहाँ पे जितेंद्र अवार्ड को धमकी दी थी कि वो कभी भी उनके घर पर हमला कर देंगे, जिसको लेकर आज उन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। आज यहाँ पे शानू पठान, उनकी बेटी मर्जिया पठान, आज बीच सड़क पे रास्ते पे बिल्कुल आप देख सकते हैं अमृत नगर दरगाह रोड शरीफा रोड के बिल्कुल रास्ते पर यहाँ बैठ के यहाँ पे आंदोलन कर रही है, और पूरा रास्ता उन्हें जाम के, कई सारी महिलाएं यहाँ पे है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रास्ता जाम है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुमरा को
ये हम आपको पीछे का नजारा दिखा रहे हैं, पूरा यहाँ पे जाम किया गया है, दोनों तरफ से रास्ते यहाँ पर जाम है, जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है, चितनबाजी है भाजपा के खिलाफ। जितेंद्र अग्रवाल के समर्थन में यहाँ पे एनसीपी के तमाम पदाधिकारी उतरे हैं, पूर्व अपोजिशन लीडर शानू पठान, उनकी बेटी मर्जिया पठान, आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी हम समाज सेवक शाकिर शेख से जानेंगे आज जो आंदोलन किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। शाकिर भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से हमला किया गया है, कल से उन्होंने चेतावनी दी थी उसके बाद आज हमला किया, क्या ये जो हल्ला हुआ है, सबसे पहले तो हम इस हल्ले का निषेध करते हैं, और इसी के साथ जैसे कि आपने खुद कहा कि कल से जब संभाजी भिड़े की सौराष्ट्र संस्था है उसने जब जो है इस हमले की तैयारी पूरी कर रखी थी, उसके बाद भी जो है इस सरकार ने जो है आवाड साहब को संरक्षण नहीं दिया, संभाजी भिड़े के जितने भी कार्यकर्ता थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, उनको 140 का नोटिस नहीं दिया और उनको ताबा नहीं लिया गया, इसीलिए हम जो है ये जो पूरी नाकामी है ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आवाड साहब को जो है सुरक्षा मुहैया कराते, और उसी के साथ साथ संभाजी भिड़े जो संस्था स्वराज्य संस्था है उसके कार्यकर्ता को हिरासत में लेते, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हमको ये पता है कि सरकार भी इसमें शामिल है और ये पुलिस फेलियर है, और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब सरकार आवाड साहब एक मंत्री रह चुके, एक आमदार है, और इस तरीके से जब किसी स्वराज्य संस्था ने उनको जब हल्ले की उनको जानकारी दी और उनको ये किया था हमला करने का जो उन्होंने चैलेंज किया था, उसके बाद भी उनके ऊपर जो है हल्ला हुआ, तो इसके कहीं ना कहीं ये सरकार भी इस हमले में शामिल है, और हम बीजेपी सरकार का हम निषेध करते हैं, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। आवाज साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। आवाज साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। आवाज साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। अभी आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे लोगों में आक्रोश नजर आया है, भारी तादाद में यहाँ पे एनसीपी के कारकुनान यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, और दोनों तरफ से रास्ता यहाँ पे जाम किया है, दोनों तरफ से रास्ता रोका गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सरकार फेलियर है, उन्होंने जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी जितेंद्र अग्रवाल को वो सुरक्षा नहीं दी गई है, उसके बाद आज यहाँ पे लोग जमा हुए और अपने उनका आक्रोश यहाँ पे नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से रास्ता यहाँ पे जाम किया जा रहा है, हम आपको लाइव के माध्यम से ये पूरी खबर दिखा रहे हैं, ये शानू पठान यहाँ बैठे हैं, मुर्दाबाद के नारे है, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं।